ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इस सवाल में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़े प्यार से करेंगे इस सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। एक बता दूंगा, चार अपने आप कर लोगे। क्लियर हो रही है? तो देखो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए थोड़ा जनरल आइडिया ले लेते हैं। तो ये कह रहे हैं आ टू डिजिट नंबर, तो हमें दो डिजिट का नंबर चाहिए। अब दो डिजिट का नंबर तो ये हो सकता है, देखो मैंने ले लिया 57, दो डिजिट का नंबर, 99 ले लिया दो डिजिट का नंबर, 68 ले लिया दो डिजिट का नंबर, तो टू डिजिट नंबर ले रहे ना। तो इसमें ये वाला जो नंबर होता है इसको हम वंस बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। बोलते हैं वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस होता है। क्लियर हो रही है? वंस डिजिट टेंस डिजिट बोलते हैं। और इसको आप कैसे लिख लेते हो? 5 × 10 + 7 लिख लेते हो कि नहीं? इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। क्लियर हो रही है? एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन वाली चीजें हैं, समझ में आती है? तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सेम प्रोसेस हम क्या है, यहाँ पर हम एक नंबर के साथ खेल रहे हैं, वहां पर हम किसी वेरिएबल के साथ खेलेंगे। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है ना? तो इसी चीज़ को करने वाला हूँ इसमें। यहाँ पर मैं एक नंबर मारूंगा, एक क्या मारूंगा, एक नंबर मानूंगा, उसके साथ मैं खेलूंगा। समझ में आ रही है? क्या खेलूंगा, कैसे खेलूंगा, आइए देखते हैं बोर्ड पर। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? देखो तो ये समझ में आया आपको टू डिजिट नंबर का? तो देखिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ तो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए टू डिजिट नंबर चाहिए तो आपको एक वंस वंस नंबर चाहिए, वंस डिजिट चाहिए और एक टेंस डिजिट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? लेट कर लेता हूँ, लेट टेंस एंड वंस डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, जो टू डिजिट नंबर है ना उसकी उसकी जो वंस डिजिट है और टेंस डिजिट है, यानी टेंस डिजिट और वंस डिजिट, उनको मैंने क्या मान लिया, एक्स एंड वाई मान लिया। तो यहाँ पर देखिए जो टेंस डिजिट है वो कौन सी है, एक्स है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली भी आप लिख सकते हो, रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुई? तो आपकी जो वंस वो सॉरी टेंस डिजिट है वो एक्स है और वंस डिजिट है वो वाई है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 57, तो इसमें आपकी ये वंस डिजिट होगी, कौन सी होगी, ये टेंस डिजिट होगी। और इसको मैं कैसे लिख पा रहा था, 5 × 10 + 7 ऐसे लिख पा रहा था। इसमें आपकी ये टेंस डिजिट थी और ये वंस डिजिट थी, ठीक है? नहीं बोलो, ये टेंस डिजिट है और ये वंस डिजिट है कि नहीं है? तो आप देखिए जो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर यही तो है, यही तो एक्चुअल नंबर। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं डिजिट्स को यूज कर रहा हूं, कर रहा हूं कि नहीं? यही तो, अब ये नंबर इसमें ही तो मैं डिजिट्स को यूज कर रहा हूं। देखो टेंस डिजिट जो आ रही है वो 10 के मल्टीप्लाई के साथ आ रही है, इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए आप, और ये वंस यहां पे प्लस में आ रही है। तो ऐसे ही मैं इनके साथ खेलने वाला हूं, क्योंकि मेरी टेंस डिजिट क्या है, एक्स है। तो एक्स किसके मल्टीप्लाई के साथ आएगी, 10 के साथ। यू कैन कंपेयर इट विद दैट। समझ में आ रही, आ रही होगी मेरे हिसाब से समझ में? तो एक्स के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में ये क्या है, नंबर है मेरा। तो देयरफोर द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए टेंस डिजिट जो है वो 10 के साथ आ रही है मल्टीप्लाई में, तो यहां पे टेंस डिजिट एक्स है, तो वो किसके साथ आएगी, 10 के साथ। तो एक्स इंटू 10 प्लस क्या आएगा भाई, समझ में आई, समझ में आई कि नहीं बोलो? क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हो रही होगी? इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 10x + y, कैसे आया? क्लियर हुई मेरी बात? इससे कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। यू कैन कनेक्ट इट विद दिस। समझ में आ रही? तो देखिए मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है भाई? तो जरा देखिए, अब आपके पास नंबर आ गया, इसको आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, 10x + y, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है। समझ में आ रही है? टेडी बियर जहाँ पड़ो है और एक जगह पर अच्छी तरह की रखो है तो अंतर तो लगता है ना, तो सिर्फ अरेंजमेंट का चक्कर है। आप अच्छी तरीके से रख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, साफ रखोगे कमरे को प्यारा सा लगेगा, डाल दोगे इधर उधर, जूते इधर पटक दिए, मोजे इधर पटक दिए तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो ऐसे ही इसको हमने क्या कर दिया, एक्स को इधर कर दिया है, बस हमको थोड़ा सा ठीक लगता है और कोई इशू नहीं है। समझ में आ रही है? अरे भैया 2 को 3 में गुणा करेगा तो 6 आएंगे, और 3 को 2 में करेगा तो 6 आएंगे, ना दिख रहा हो? देखो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, एक ही बात है।
ऐसे ही है x इंटू टेन या टेन इंटू एक्स, एक ही बात है, क्लियर होगी। तो अरेंजमेंट है बस। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लियर होगी। तो देखिए, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 14। जो इसकी डिजिट है ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो टू डिजिट नंबर तो ये हो गया अपना, यही है ना, और इसकी डिजिट्स क्या है, एक्स एंड वाई, है कि नहीं, है कि नहीं। और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रहा है, 14, कितना दे रहा है, 14। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंगली, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 14 होना चाहिए कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यू कैन गेटिंग, यू आर गेटिंग, क्लियर हो रही। देखिए, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 40। यू कैन मेंशन इट एज इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इज दिस फाइन, ठीक है। तो जरा देखो, अब दूसरी चीज देखो, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। देखिए क्या, फाइंड द नंबर। तो अब क्या कर रहे हैं, ये 45 मैं ऐड कर रहा हूं नंबर में, नंबर क्या है ये रहा। अगर मैं नंबर में 45 ऐड कर दूं तो ये क्या कर लेते हैं, इसके डिजिट्स जो हैं वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। प्लेस मतलब जो टेंस प्लेस पर था वो वंस पर पहुंच जाता है, और जो वंस वंस पर था वो टेंस पर चला जाता है। तो देखिए क्या हो जाता है, अगर मैं नंबर में, नंबर तो यही है, नंबर में 45 ऐड कर दूं तो जो डिजिट्स हैं इसके वो अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 10 के साथ y आ जाता है और x y की जगह चला जाता है, इंटरचेंज हुई कि नहीं डिजिट्स, समझ में आई मेरी बात। तो अब आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, इस वाले को इधर ले जाइए, तो आपके पास क्या आएगा, 10y प्लस x माइनस 10x, ये वाला ले जा रहा हूँ उधर, माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दूंगा 45। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए, 10y में से 1y गया तो 9y, यहाँ पे माइनस 10x प्लस x, तो माइनस का 9x बचा इज इक्वल टू 45। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हो, तो y माइनस x इज इक्वल टू 45। क्लियर हुई मेरी बात, नहीं हुई, नहीं हुई यार, आया नहीं, आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करा मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर में 45 ऐड करे, नंबर में 45 ऐड करे, तो डिजिट्स ने अपनी प्लेस इंटरचेंज कर ली, क्लियर हुई। अब मैंने इस वाली पोजीशन को उधर ले, सुन भाई, तो ये माइनस 10x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ से 10y में से y गया तो 9y, x में से माइनस 10 यानी माइनस 9x, 9 कॉमन ले लिया, y माइनस x इज इक्वल टू 45, 9 से ये 5 टाइम चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 5, आ गया इक्वेशन टू आ गई, समझ में तो आया होगा मेरे हिसाब से, है ना। देखो अब आपके पास एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है, ये इक्वेशन वन दे रखी है अपनी पहले। अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x को उधर ले जाइए, 5 को उधर ले आइए, तो y माइनस 5 हो जाए, x इधर चला गया, 5 इधर आ गया, नहीं आया, आ गया, तो x इधर चला गया, 5 इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू y माइनस 5 हो गया। अब ये वाली वैल्यू आप किसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन वन में, पुट x इक्वल टू वाई माइनस 5 इन इक्वेशन वन, क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर रखिए, x की जगह पर क्या रख दीजिए, y माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 40, क्लियर हुई। तो यहाँ से क्या होगा, इंटू करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 5 वाई, इसको इधर ले आओ तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्लियर हुई। 7 टू जा 14, मैं क्वेश्चन यहाँ से रिरेज कर दे रहा हूँ, 7 टू जा 14, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 7 टू जा 14 ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई, सॉरी माइनस 7 वाई प्लस 2 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो वाई प्लस 2 और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 7,
ठीक है। अब पहले देखिए, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है नेगेटिव और एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पर, समझना मेरी बात, अगर वाई की वैल्यू आप यहाँ पर नेगेटिव रख दोगे, यही तो नंबर है, आप यहाँ पर वाई की वैल्यू नेगेटिव रख दोगे, तो नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पहले तो ये देखो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। फॉर एक्स इक्वल टू, सॉरी फॉर वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू -2 के लिए एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा, ये रहा एक्स इक्वल टू वाई -5, तो वाई -5, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है -2, तो -2 -5 एक्स इक्वल टू कितना आ गया -7 आया। और दूसरा फॉर वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई -5, तो एक्स इक्वल टू 7 -5 एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर हुई मेरी बात, नहीं आया, आ रहा है? तो ज़रा देखिए, अब मैं क्या करूं, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करता हूं, समझना मेरी बात, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर पुट करके देखो, यहां पर पुट करके देखो, टू डिजिट नंबर बोला है, क्लियर है? यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो देखो, देखो यहां पर मैं इधर करता हूं टेन एक्स प्लस वाई, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रही है? तो यहां पर पुट कर रहे हैं टेन इंटू -2 प्लस वाई, वाई का सॉरी 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 वाई की -2 है, तो टेन इंटू एक्स, जब वाई की -2 है तो एक्स की कितनी है -7, वाई की -2 है तो एक्स की -7, तो यहां पर कितना आ जाएगा -7 -7, और वाई की कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा -70 -2, तो कितना आ जाएगा -72। तो क्या नेगेटिव नंबर मांगा है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आर टू डिजिट नंबर इज सच दैट फाइंड द नंबर। तो ये जो नंबर हम यहाँ पे निकालते हैं ना, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर, समझ में आ रही है मेरी बात? टू डिजिट नंबर, वैसे जनरली नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज को क्या करते हैं, मान के चलते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है? तो ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, बस इसमें प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा, किसका अंतर आ जाएगा, प्लस माइनस का, तो आप कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्रायोरिटीज देते हैं। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात होगी तो दोनों ये रखी जाएंगी, पर प्लस प्लस रहेगा। देखो यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा टेन इंटू टू प्लस 7, ये कितना आया 27, नंबर कितना आया 27। अब देखो, अब इसमें देखो, क्वेश्चन में वेरीफाई करके देखते हैं, क्या वेरीफाई करते हैं, अगर मैं जो एक्स और वाई आए थे ये मानना है इसको काम कर रहा है, और ये वाला कर रहा है क्या, ये भी कर रहा है, तो अब कौन सी वैल्यू लेंगे आप? ज्यादातर हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंक्लूड करके चलते हैं, वैसे आप नेगेटिव का कोई बोले तो आप नेगेटिव ले लीजिए, वैसे ज्यादातर हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा सबको, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे भाई? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, बस आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, जय हिंद जय भारत।